दो साल के बाद टूरिज्म सेक्टर में तेजी का आलम देखा जा रहा है। हर पर्यटक स्थल पर लोगों का हुजूम कुछ इस कदर उमड़ रहा है कि सभी रिकॉर्ड ध्वस्त हो रहे हैं। यहां तक कि हाल के दिनों में कश्मीर में हुई आतंकी घटनाओं के बावजूद इस साल मई में रिकॉर्ड 3.75 लाख पर्यटक कश्मीर पहुंचे। जून के पहले हफ्ते में इस साल आने वाले पर्यटकों की संख्या का आंकड़ा 10 लाख के पार जा चुका है। कश्मीर में महीनों से सभी 60,000 कमरे बुक हैं और 15 जुलाई तक ये बुकिंग की जा चुकी है। इसकी बड़ी वजह है कि पर्यटकों की पसंदीदा जगह श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग वगैरह में पूरी तरह शांति बरकरार है। अक्टूबर कश्मीर में इसी तरह भीड़ बने रहने का भरोसा है। हालांकि होटल रूम की कमी अब यहां के टूरिज्म की ग्रोथ में ब्रेकर बनने लगी है। हाल ही में सरकार ने यहां होम स्टे को भी मंजूरी दी है, लेकिन अब उसकी भी फुल बुकिंग हो चुकी है। टूरिस्ट जब कहीं जाता है रहने को, होटल में रहता है, तो थोड़ा ऐश आराम और उनको सही मायने में उस जमीन की बातें मालूम नहीं पड़ती है। बल्कि जब हम गांव में गांव वालों के साथ रहते हैं तो वहाँ का कल्चर, उनकी रहन सहन, उनसे बातें करके जो एक आनंद मिलता है, उसका अनुभव लेने का यह प्रयास है। कश्मीर के अलावा हिमाचल प्रदेश के सोलन, शिमला, चैल, कसौली में भी भारी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। वर्ल्ड हेरिटेज कालका शिमला रेलवे ट्रैक के बीच चलने वाली टॉय ट्रेन सैलानियों की पहली पसंद बनी हुई है। रोजाना भारी तादाद में सैलानी टॉय ट्रेन में हिमाचल आ रहे हैं। टॉय ट्रेन की ऑक्यूपेंसी 100% चल रही है और 30 जून तक इसकी एडवांस बुकिंग हो चुकी है। कालका शिमला खंड में जितने भी गाड़ियां चल रही है उसमें 100% ऑक्यूपेंसी चल रही है सर। और ये कब तक चलेगी? ये 30 जून तक ऐसे ही ऑक्यूपेंसी चलती रहेगी, क्योंकि आजकल सभी के छुट्टियां हैं, गर्मी पड़ रही है, इस करके लोग कालका शिमला की ओर रुख कर रहे हैं। सबसे बढ़िया तो इनहेल करते ऑक्सीजन जाती है। अच्छा। लू नहीं जा रही गर्मी की, सबसे बढ़िया तो यही बात है, प्लस पॉइंट। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है जी, मैं जान पहचान हो रही है और छुट्टियां थी हमारे कॉलेज में तो मैंने सोचा शिमला घूम के आऊँ और मुझे तो जान पहचान काफी अच्छे से लोगों से हो रही है, तो बहुत मजा। इसी तरह से उत्तराखंड में भी इस बार सैलानियों की भारी भीड़ देखी जा रही है। उद्योग से जुड़े लोगों का भरोसा है कि इस बार वो दो साल में हुए नुकसान की कुछ हद तक भरपाई जरूर कर लेंगे। आज तक ब्यूरो। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।